good morning students in the previous lecture of acid base and salt we discussed about some of the fundamental things like activity 2.1 and activity 2.2 .2. now before we start this lecture i will request you to all open your textbook and in your textbook open the topic how do acid and base रिएक्ट विथ मेटल आपको यह टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में ओपन करना है क्योंकि हम टेक्स्ट बुक के साथ ये चीजें रिफर करते जाएंगे आप देखेंगे वहां पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है एक्टिविटी 2.3 जो किसके रिकॉर्डिंग है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ द मेटल ओके लेट्स डू दिस एक्टिविटी चलो state the apparatus as shown in the figure आपको इस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट फिगर दिया है मैंने यहाँ पे स्टैंड वगैरह ड्रा नहीं किया तो जो आपको कंप्लीट फिगर दिया गया है उसके हिसाब से हमें लेबोरेटरी के अंदर एक पूरा सेटअप क्रिएट करना होगा अभी सपोज हमने इमेजिन किया हमने ये पूरा सेटअप किया है ठीक है दूसरा पॉइंट उसमें कहा गया है टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चलो तो मैंने यहां पे HCl लिया है आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो HCl भी ले सकते हो मैटर इन ट्यूब एंड एड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक इसके अंदर मैंने कुछ एक जिंक के ग्रेन्यूल्स दाने ऐड किए जैसे ही मैं यहां पे जिंक ऐड करूंगा तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ओके ये एक्टिविटी हमने ऑलरेडी की हुई है लास्ट चैप्टर में हमने ये एक्टिविटी की थी लेकिन हमने ऐसा अपरेटस सेट नहीं किया था ठीक है अब ये जो हाइड्रोजन गैस है वो यहां से क्रिएट होके इस वैसल ये ट्यूब के द्वारा इस दूसरे वैसल के अंदर आएगा जहां पर मैंने पानी भरा हुआ है ये हाइड्रोजन गैस वो पानी में डिजोल्व नहीं होगा तो बाहर निकलेगा पर कैंडल से अगर मैं उसको इग्नाइट करूंगा तो वहां पे स्पार्कल्स दिखेंगे आपको ठीक है सो थर्ड पॉइंट वट डू यू ऑब ऑन द सर्फेस ऑफ दिंग ग्रेन्यूअल्स ग्रेन्युअल की सरफेस पे क्या होगा बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बिल इवोल्व आफ्टर दैट पास द गैस बींग इवोल्व थ्रू द सॉफ्ट सोल्यूशन ओके यहां पर वॉटर की जगह आप सॉफ्ट सोल्यूशन भी ले सकते हो यहां से उसको पास करते हैं चल फिर वाई आर बबल फॉर्म इन द सॉफ्ट सोल्यूशन सॉफ्ट सोल्यूशन में बबल क्यों बनते हैं क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस बनता है वह उसके अंदर डिजॉल्व नहीं होता है दैट्स वन टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल जो बबल बाहर निकलते हैं वहां पे कैंडल रखो तो आपको वहां पे स्पार्कल दिखेंगे वॉट डू यू ऑब्जर्व एज आई सेट बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस विल बी शीन विद साउंड रिपीट दिस एक्टिविटी विथ एसिड लाइक एच सी एल एच एन ओ थ्री एंड सी एबल सारे के अंदर ये सेम चीजें हमें देखने को मिलेगी क्योंकि ये सारे एसिड है आर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द केसेस विल बी सेम और डिफरेंट यस ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल द केसेस विल बी सेम। तो अब हमें रिएक्शन लिखना है चलो हम रिएक्शन लिखते हैं क्या रिएक्शन होता है क्या क्या चीजें हमने एड की थी तो हमने जिंक मेटल एड किया था सॉलिड उसके अंदर हमने पहले HCl किया था तो एच सी एल का पहले लिखते चलो सॉरी एच टू एसो फोर किया था तो एच टू एसो फोर एक्स डाइल्यूटेड एसिड क्या बनेगा उसमें से तो सबसे पहले जिंक है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक किसकी जगह ले लेगा हाइड्रोजन की तो बनेगा क्या जेड एन एसोफोर इन द एक्स फॉर्म प्लस हाइड्रोजन गैस जो कि इवोपरेट होगा इसको हमें बैलेंस करना है देखो एक जिंक एक जिंक दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक सल्फर एक सल्फर चार ऑक्सीजन चार ऑक्सीजन ये तो बैलेंस है ऑलरेडी तो ये हमारा H2SO4 का रिएक्शन हुआ वैसा ही हम HCl का बनाते हैं चलो तो जिंक सॉलिड फॉर्म में हमने ऐड किया HCl, ठीक है चलो हाइड्रोजन की जगह जिंक लेगा लेकिन जिंक तो प्लस टू है और क्लोरीन माइनस वन है तो बनेगा जेड एन सी एल टू और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इसको बैलेंस करते हैं एक जींग, एक जींग, एक जिंक, जिंक, हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन सो यहां पे टू दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो क्लोरीन, दो क्लोरीन। यहां पे टू लिखने से ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस हो जाएगा नाउ Next acid they have given was HNO3. So Zn plus HNO3 AQS gives me NO3 minus will be one time minus and zinc will be two time plus. So it will form Zn NO3 twice AQS plus a hydrogen gas.

वन है तो हमें दो बार लिखना होगा सी एच थ्री सी डबल टू टाइम्स इसका नाम होगा जिंक एसीटेट और जिंक इथेनोएट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा इसको भी बैलेंस करो दो एसीटेट है दैट्स टू और दो हाइड्रोजन के लिए दो हाइड्रोजन बाकी तो सेम टू सेम रहेगा क्लियर सो दैट वाज अबाउट एसिड प्लस मेटल तो कॉमन रिएक्शन क्या रहेगा एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करेगा उसमें से क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा जो मेटल लिया है उसका और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा तो ये हो गया हमारा कॉमन रिएक्शन जो हमें एक्टिविटी 2.3 से मिलता है ठीक है फ्टर दैट और नेक्स्ट एक्टिविटी विल बी एक्टिविटी टू पॉइंट फोर चलो एक्टिविटी टू पॉइंट फोर में क्या करना है हमें तो थोड़ी सी चीजें चेंज कर दी है अपराइटस यही रखना है अब फर्क इतना है कि हमें एसिड के जगह बेज एड करना है एसिड के जगह क्या ऐड करना होगा अभी बेज एड करना होगा चलो प्लेस अ फ्यू पीसिस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स एंड एड समूमएल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एंड व कंटेनर चलो थोड़ा सा डिफरेंस है एच सी एल के जगह आप में क्या ऐड करूंगा एनएच और इसको गर्म करूंगा तो हमने कौन सी चीजें ऐड की हमने जिंक एड किया साथ में हमने एनएच एड किया जिंक सॉलिड रहेगा NaOH एक्स रहेगा ठीक है वहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता वहां से भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होता साथ में बनेगा क्या Na2 Zn O2 Na2 Zn O2 इसका नाम है सोडियम जिंकेट, दिस इज स्पेशल रिएक्शन आमतौर पर बेज कभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते लेकिन पुच्छेक एक्टिव मेटल कौन से एक्टिव मेटल रहेंगे पोटेशियम सोडियम एल्यूमिनियम जैसे ये एक्टिव मेटल है तो ऐसे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा समझ में आया इसको बैलेंस करते हैं एक जिंक एक जिंक चलो दो सोडियम है दैट्स वाई टू एन एच दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन हो गया बैलेंस क्लियर सारे बेस सारे मेटल बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते ये स्पेशल केस है और इन तीनों में से आपको एक केस दिया गया है अब इसके जगह आप के ओ एच लोगे यहां पे। तो के ओ एच लेने की वजह से यहां पे बनेगा क्या के टू जेड ओ टू ठीक है बनेगा पोटेशियम जिंक एल्यूमिनियम लिया जिंक के जगह पे तो सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा ऐसी so, चीजें थोड़ी सी चेंज होगी चलो एल्यूमिनियम का रिएक्शन भी आपको दे देता हूं मैं एल प्लस एन एच एल सॉलिड रहेगा एन एच एक्स रहेगा उसमें से बनेगा क्या तो उसमें से बनेगा एनए थ्री ए एल ओ थ्री एनए थ्री एल ओ थ्री ओके और यू कैन से एन ए एल ओ टू दोनों में से कोई भी लिखोगे चलेगा नाम रहेगा सोडियम एल्यूमिनेट साथ में रिलीज क्या होगा हाइड्रोजन गैस चलो अब इसको हम बैलेंस करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा एक एल्यूमिनियम एक एल्यूमिनियम तीन सोडियम है दैट्स तीन सोडियम तीन ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है यहां पे तीन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें हर जगह पे दो से मल्टीप्लाई करना होगा सो so, यहां पे रहेगा थ्री यहां पे दो यहां पे सिक्स और यहां पे दो अब देखो टू एल टू एल छह सोडियम छह सोडियम सिक्स ऑक्सीजन थ्री इंटू टू सिक्स ऑक्सीजन एंड सिक्स हाइड्रोजन सिक्स हाइड्रोजन ये नहीं लिखोगे तो चलेगा कोई बात नहीं चलो ठीक है तो ये रिएक्शन हुई बेस प्लस एसिड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ओके हमने कौन सा टॉपिक स्टडी किया 2.1.1 हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल ओके अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट सेम ऑपरेटेस ले लो चलो अब यहां पर वॉटर की जगह हमें लेना है कैल्सियम हाइड्रोक्साइड सी एच टेक्ट लाइन और यहां पर टेस्ट्यूब में हमने जो जिंक और उसको भूल जाओ अब हम वहां पर लेंगे मेटल हाइड मेटल कार्बोनेट और साथ में क्या एड करेंगे एसिड और दूसरे केस में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और एसिड ठीक है चलो मेटल कार्बोनेट के लिए मैं लेता हूं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और मेटल हाइड्रोजन ये हुआ केस ए और केस बी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए लेता हूं मैं एन चलो एक्टिविटी 2.5 एक्टिविटी 2.5 ये था एक्टिविटी 2.4 ये चैप्टर पूरा एक्टिविटी बेस है दैट्स व्हाई मैं टेक्स्ट बुक आपसे आपसे रिफर करवाता हूं ठीक है चलो एक्टिविटी 2.5 में क्या कहा है टेक टू टेस्ट ट्यूब तो ऐसे दो टेस्ट ट्यूब दो ऑपरेटर्स लेने हैं एक में हम मेटल कार्बोनेट ऐड करेंगे एक में मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ऐड करेंगे लेबल इट एज ए एन बी

पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, ठीक है चलो अब क्या होगा इसमें से रिएक्शन तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को मिल्की बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को कैसा बनाएगा मिल्की बनाएगा ठीक है चलो अब ये रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करो बनेगा NACL प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ठीक है सेम चीजें यहां पे होगी NACL प्लस सीओ टू प्लस एच टू जहां पर एनएससीएल पानी में सोल्यूबल रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहेगा और एच टू ओ लिक्विड रहेगा ठीक है बैलेंस करते हैं दो सोडियम सो, दो सोडियम Premises, एक कार्बन एक कार्बन तीन ऑक्सीजन टू प्लस वन थ्री ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है दो हाइड्रोजन दैट्स वाई टू हाइड्रोजन है दो क्लोरीन, दो क्लोरीन, हो गया बैलेंस ये वाला रिएक्शन एक सोडियम एक सोडियम दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक कार्बन एक कार्बन तीन ऑक्सीजन टू प्लस वन थ्री ऑक्सीजन एक क्लोरीन, एक क्लोरीन, ये तो बैलेंस है ऑलरेडी फिर से मैं आपको पूरा एक्टिविटी समझाता हूं सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में हमने ये दोनों कंपाउंड लिए थे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में फिर मैंने उसके अंदर एच डाला एच डालने की वजह से वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम है उसको इमेजिन करना यहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और वो मैंने एक दूसरा कंटेनर लिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंटेनर कौन सा कंटेनर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंटेनर वहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा और उसमें से बनेगा CaCO3 और CaCO3 बनने की वजह से पानी रिलीज होगा और ये सॉलिड होता है उसकी वजह से वो कंपाउंड जो है वो सॉल्यूशन जो सी का था वो मिल्की हो जाएगा वाइटिश कलर का हो जाएगा वो हमें बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है अगर यहां पे ज्यादा अमाउंट रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो हमारे पास क्या बना था सी ए सीओ थ्री ज्यादा अमाउंट अगर कार्बन डाइऑक्साइड का रहेगा तो वो हमें मिल्की सॉल्यूशन वापस से कलरलेस करके देगा और वो हमें देगा सी एच सीओ थ्री ट्वाइस यानी कि ये बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या बन गया कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पहले मिल्की बनेगा और वापस से कलरलेस हो जाएगा क्लियर सो दैट वाज अबाउट योर एक्टिविटी 2.5 मेटल्स सॉरी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड चलो रिएक्शन क्या हुआ तो हमारा जो कॉमन रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट रिएक्सड विथ एसिड एंड गिवज मी सॉल्ट ऑफ मेटल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर और सेम चीजें कौन देगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट वो भी देखो सेम टू सेम चीजें ही देता है प्लस एसिड ठीक है तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी 2.5. चलो अब आप अगर देख सकते हो यहां पे क्या बनता है सी ए सॉरी सी ए थ्री कैल्शियम कार्बोनेट इसके काफी अलग अलग स्ट्रक्चर्स अवेलेबल देम द फर्स्ट वन इज लाइमस्टोन लाइमस्टोन स्टोन दूसरा है चौक जो हम बोर्ड पे लिखने के लिए यूज करते हैं तीसरा है मार्बल जो टाइल्स रहते हैं हमारे घर पे वो भी एक कैल्शियम कार्बोनेट का ही फॉर्म है तो काफी सारी वेराइटीज हमें मिलते हैं फिर हम मार्बल्स जो यूज करते हैं खेलने के लिए वो भी इसी का फॉर्म है क्रिस्टलाइज फॉर्म सो कैल्शियम कार्बोनेट के काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट हमें देखने को नेचर में मिलते हैं आपके टेक्स्ट बुक में भी ये कहा गया है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द कैल्सियम कार्बोनेट ओल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिथ एंडिंग सोल्ट ऑफ मेटल कार्बन डाइऑक्सा कॉमन रिएक्शन दिया क्लियर सो दिएक्शन वॉज अबाउट कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ एसिड एंड बेज रिएथ एच अदर सो योर एक्टिविटी टू पॉइंट सिक्स और टॉपिक रहेगा टू पॉइंट वन पॉइंट फोर इन योर टेक्स बुक हाउ डू एसिड एन बेईज रिएक्ट विथ एच अदर चलो अब यह टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एक चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं अमोग द फर्स्ट थिंग एसिड आर कलरस सेकेंड थिंग बेईजर ऑल्सो कलरलेस तो अंदर अगर कोई चेंज हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा कि एसिड और बेस ने रिएक्ट किया है फॉर दैट हमारे दूसरे लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के इंडिकेटर करके कोई चीज होती है जो हमें बताती है कि कब कंपाउंड एसिडिक है कब कंपाउंड बेसिक है तो हम उसमें से एक इंडिकेटर यूज करेंगे फिनॉल फथेलिन जब कभी भी फिनॉल फथेलिन बेस के साथ होता है उसका कलर होता है पिंक और जब वो एसिड के साथ होगा हो जाएगा कलरलेस ये कुछ चीज में आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं ठीक है चल, टेक अ टू एम एल ऑफ डाइल्यूट एन हमने लिया है एनएच दो एम एल सॉल्यूशन उसका डाइल्यूटेड उसके अंदर टू ड्रॉप्स ऑफ फिनॉल फेलिन एड करना है चलो इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया फिनोल फेलिन ठीक है तो उसकी वजह से क्या होगा पिंक सॉल्यूशन मिलेगा क्या मिलेगा हमें पिंक कलर्ड कलर ऑफ दॉल्यूशन एज एड सोल्यूशन नाउ एडल टू दॉल्यूशन के अंदर में क्या एड करता हूं धीरे 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 में एच सी एल एड करता हूं मैंने पहला ड्रॉप एड किया फिर उसको स्टर किया कंप्लीटली पिंक कलर गया नहीं दूसरा ड्रॉप एड किया फिर से स्टर किया अभी भी पिंक कलर नहीं गया है तीसरा ड्रॉप एड किया ऐसे में ड्रॉप बाई ड्रॉप एच सेल उसके अंदर एड करता हूं एक टाइम ऐसा आएगा कि पिंक कलर बहुत ही लाइट हो जाएगा और फिर जब मैं एक और ड्रॉप एड करूंगा पिंक कलर कंप्लीटली निकल जाएगा वहां से दैट मींस जितना भी बेज सॉल्यूशन में था वो यूज हो चुका समझ में आया जितना भी बेस सॉल्यूशन में था फिनोल फलिन के साथ वो यूज हो गया उसकी वजह से पिंक कलर निकल गया तो कहां यूज हुआ तो यहां पे यूज हुआ देखो एनएच किसके साथ रिएक्ट करता गया एचसीएल के साथ रिएक्ट करता गया डबल डिस्प्लेसमेंट बनेगा एनए एंड वाटर अब एनएसएल तो सॉल्ट है वो ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है जो फिनोल फिन के साथ रिएक्ट नहीं करता है तो जब सारा यूज़ हो जाएगा उसमें से बन जाएगा तो यहां से पिंक कलर भी निकल जाएगा अ कॉमन सेंस ओके देयर एनी कलर चेंज इन द रिएक्शन मिक्सचर यस पहले पिंक कलर लाइट होगा उसके बाद पिंक कलर से वो कलरलेस हो जाएगा

टू बैलेंस ही है देखो एक सोडियम एक सोडियम दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक oxygen, एक chlorine, एक ऑक्सीजन क्लोरीन क्लोरीन ओके रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिकॉज एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं इन द सेंस अगर हम इसकी कॉमन रिएक्शन लिखे So that will be base plus acid or acid plus base gives me salt plus water. Okay. After that, our next topic 2.1.5 is the reaction of metallic oxide with acid. Activity 2.7. Yetha hamara. Activity. टू पॉइंट सिक्स अब हम पढ़ेंगे एक्टिविटी टू पॉइंट सेवन मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड क्वाइट सिंपल चलो क्या है एक्टिविटी में टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ओके कॉपर ऑक्साइड स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड एड डूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट चलो इसके अंदर हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड एड करना है डायल्यूटेड नॉट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन वॉट हैज हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड चलो सबसे पहले कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक होता है सीयू विल बी ब्लैक जब हम एच सी करेंगे उसके अंदर कलरलेस तो उसमें से धीरे धीरे हमें ग्रीनिश ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलेगा जो कि होगा हमारा CuCl2 और H2O रिलीज होगा ये होता है ब्लूइश ग्रीन green और ग्रीनिश ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन ब्लैक सारे डिजोल्व हो जाएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सॉल्यूशन में क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्साइड ने एसिड से रिएक्शन किया और हमें सॉल्ट प्लस वॉटर दिया सो मेटल ऑक्साइड एसिड गिव्स मी सॉल्ट प्लस वॉटर ये तो बेज जैसा ही हो गया देखो दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है तो मेटल ऑक्साइड है यहां पे और यहां पे बेस है इसका मतलब मेटल ऑक्साइड बाय नेचर कैसे होते हैं बेसिक यह हम पढ़ेंगे क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइस वहां पे हम पढ़ेंगे मेटल ऑक्साइड सारे कैसे होते हैं बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड कुछ एक न्यूट्रल है कुछ एक एसिडिक है ठीक है क्लियर इसको बैलेंस करते हैं एक को पर एक को ऊपर एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन do chlorine, that's why 2hcl and do hydrogen that's why do hydrogen you will notice that the color of the solution becomes blue green and copper oxide dissolves the black color copper oxide will be dissolved the blue green color of the solution is due to the formation of copper 2 chloride cupric chloride in the reaction the general reaction will be metal oxide plus acid gives me salt plus वॉटर आफ्टर दैट लेट्स डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज हाउ नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द बेस ओके उससे पहले उन्होंने कहा था कि रिएक्शन लिखा तो हमने ऑलरेडी रिएक्शन लिख लिया है ठीक है सो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस चलो वॉट विल बी देर यू शो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओके अभी अभी हमने स्टडी किया था कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल ऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इज नॉन मेटल दैट्स व्हाई इट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन मेटल ऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है इसका रिएक्शन अभी अभी हमने देखा था क्या बनता था यहां से कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड रहेगा और एच टू ओ रिलीज होता था ठीक है एक्टिविटी टू पॉइंट फाइव में था ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस्ड रिएक्ट्स विद द कार्बन डाइऑक्साइड विच, विच विल बी एसिडिक इन नेचर टू तो प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर ज द सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन द बेइज एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर ओके अब आपको कुछ एक क्वेश्चन दिए है उसको हम सोल्व करते हैं उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है वाई शुड कॉड एंड सोर्स सबस्टन्स नॉट बी कैप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स कॉपर और ब्रास के वेसल्स में कार्ड और कोई भी खट्टी चीजें क्यों नहीं रखनी चाहिए क्योंकि कॉपर और ब्रास के अंदर ब्रास एक एलोय है जो कि कॉपर की ही एलोय है तो वो कार्बोनेट सॉल्ट बनाता है एटमोस्फियर के कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यानी कि उसकी सरफेस पे कोरोजन हुआ होगा क्या हुआ होगा कोरोजन और उसकी वजह से वहां पे कॉपर कार्बोनेट बना होगा ग्रीनिश अगर आपके पास कोई ब्रास का वेसल है तो आपने देखा होगा वहां पे ग्रीनिश कलर के डॉट्स बने हुए होंगे जहां पे पानी रहा होगा दैट इज कॉपर कार्बोनेट और कॉपर कार्बोनेट के अंदर अगर आप एसिड ऐड करोगे जैसे कोई भी सॉर चीज ली या फिर कर्ड लिया है इट इज एसिडिक इन नेचर कर्ड बिकॉज़ ऑफ लैक्टिक एसिड ओके सो वो कॉपर कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन होगा और उसकी वजह से वो कंपाउंड खाने लायक रहेगा नहीं वो चीजें खाने लायक नहीं रहेगी दैट्स दट वी शुड नॉट यूज कॉपर और ब्रास वेसल्स सेकंड क्वेश्चन है विच गैस इज यूजुअली लिबरेटेड व्हेन द एसिड रिएक्स विद द मेटल हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड विद द एग्जाम्पल द विद्जाम्पल ओके अभी अभी हमने काफी एग्जाम्पल उसके देखे थे Zn एन प्लस

क्वेश्चन है यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओके एक कंपाउंड है ए वो एचसीएल के साथ रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एफरवेंसिस एफरवेंसिस ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं तो ये मेटल का हो गया सोल्ट ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेंसिस यानी कि ये कंपाउंड कौन सा हुआ आइदर इट इज कार्बोनेट और इट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है ये या तो ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है दोनों में से कोई एक ही हो सकता तभी तो वो एफरवेंसिस देगा कार्बन डाइऑक्साइड के दैट गैस इवोल्ड एक्सटिंग अ बर्निंग कैंडल कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी भी कैंडल से पास होगा तो वो कैंडल बूझ जाएगी इन द सेंस एक्सटिंग बर्निंग कैंडल राइट अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर द रिएक्शन इफ वन कंपाउंड फॉर्म इज कैल्सियम क्लोराइड यहां पर कैल्शियम क्लोराइड बनता है हो गया सीए सी एल टू अगर सी एसीएल टू है तो हमने कंपाउंड क्या लिया होगा कंपाउंड हमारा दो कंपाउंड में से कोई एक हो सकता है आइदर इट इज सी ए सीओ थ्री और इट इज सी एच सीओ थ्री ट्वाइस दो से कोई एक हो सकता है मोस्टली हमें क्या लिखना होगा सी ए सीओ थ्री आपकी आंसर बुक में भी यही दिया होगा किसी भी रेफरेंस बुक में अगर आप देखोगे ओके सो दैट ऑल अबाउट द टू लेक्चर इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विदॉपिक टू पॉइंट टू what do all acid and all base have in common okay so that was all for the today's lecture thank you so much